में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से बहुत ही आसानी से डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके जो है ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। और डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में कहूं तो ये एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। तो इससे पहले मैं आपको प्रोसेस दिखाऊं कि आप किस तरीके से और क्या क्या करना पड़ेगा आपको, मैं आपको बता दूं कि ये जॉब है क्या। ये एक सिंपल डेटा एंट्री जॉब है। इस जॉब में आपको जो है स्मॉल स्मॉल टेक्स्ट दिए जाएंगे, वो हैंड रिटन होंगे, उनको आपको जो है डिजिटल फॉर्म में यानी डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा सवाल, आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए और इससे पैसा कमाने के लिए। आपको बस एक इंसान होना जरूरी है, एक ह्यूमन होना जरूरी है, जिसकी एज मिनिमम जो है 10 साल होनी चाहिए, यानी आपकी एज कम से कम 10 साल होनी चाहिए तभी आप ये कर पाएंगे। और आपके पास एक अच्छी खासी टाइपिंग स्किल होनी चाहिए ताकि आप चीजों को आराम से जो है विदाउट एनी मिस्टेक टाइप करें। जितना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी उतना ज्यादा पॉइंट्स कमाएंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो आपको क्या चाहिए होगा, आप फिजिकली आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा या आप एक स्मार्ट डिवाइस या आप एक टैबलेट कह लीजिए, स्मार्टफोन कह लीजिए चाहिए होगा। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या दोस्तों, सबसे पहले आपको digitizeindia.gov.in पे जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गारमेंट की वेबसाइट है, बिल्कुल सिक्योर है, .gov.in, और आप देख सकते हैं इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए आपको इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। आप इधर अपना फुल नेम, अपना आधार नंबर, अपना यूजर नेम पासवर्ड सिलेक्ट करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड को यूज करने के बाद आप लॉग इन कर पाएंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा एक डैशबोर्ड आ गया है, यानी मैंने इतना सारा काम किया हुआ है इस वेबसाइट पे, मैंने इतने स्निपेट्स, इतने टेक्स्ट मैंने कन्वर्ट किया है, मेरी स्पीड इतनी थी, मेरी एक्यूरेसी इतनी थी और मेरे करेक्टर जो इतने अभी तक टाइप किया है। आपको सबसे पहले वर्कस्पेस पे जाना पड़ेगा। वर्कस्पेस पे जाने के बाद आपको लोड वर्कस्पेस करना पड़ेगा और आपके लिए जो है टास्क आगे आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है मधानी, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मेरे को इस टेक्स्ट को जो है इस तरीके से टाइप करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको टेक्स्ट को टाइप करूंगा और सबमिट करूंगा तो एक काम हो गया। इसी तरीके से और एक टेक्स्ट मेरे सामने आ रहा है, मेरे को ऐसे ही इन टेक्स्ट को जो है सबमिट करते जाना है। जो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं उसको नॉट रीडेबल लिख के और जो ब्लैंक होगा उसको ब्लैंक सबमिट करके। ऐसे ही आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टेक्स्ट आएंगे जिनको आपको लिखना पड़ेगा टाइप करके, और वो आप यहाँ पर बाद में रिवॉर्ड्स में देख पाएंगे कि आपने कितना काम किया, उसका आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है और आपका बैलेंस अभी कितना है। आप सब कुछ देख पा रहे होंगे। इस रिवॉर्ड जो है, ये रिवॉर्ड को आप बाद में जो है रिडीम कर सकते हैं, यहाँ पर रिडीम पॉइंट्स करके, एंड आप इधर रिडीम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप रिडीम करें, आप पूरा कंफर्म कर लीजिए कि आपका जो आधार अकाउंट है वो बैंक अकाउंट से लिंक्ड है या नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बैंक अकाउंट को आधार से कैसे लिंक करें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक अगला वीडियो ऐसा भी बना दूंगा। और इससे पहले कि आप अपने इन पॉइंट्स को रिडीम करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करें, आपके पास एक जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ 2500 यानी 2500 पॉइंट्स आपके मिनिमम होने चाहिए। यू नीड मिनिमम 2500 पॉइंट्स टू रिडीम। दोस्तों, अगर आप इस साइट की जेन्युइनिटी, मतलब ये साइट जेन्युइन है या ना है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट, आप इसको यूज करके पैसा कमा सकते हैं, जितना हो सके उतना कमा सकते हैं, इसमें कोई जो लिमिट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।